देश भारत देश और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। ईद उल अजहा पर शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। फिरोजाबाद नगर में जिलाधिकारी एसएसपी रहे मौजूद, शिकोहाबाद नगर में एसपी ग्रामीण एसडीएम सीओ रहे मौजूद। फिरोजाबाद जिले में शांतिपूर्ण ढंग से ईद उल अजहा की शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस बार राजनीतिक दलों ने मुबारकबाद को कैंप नहीं लगाए, दूरी बनाए। फिरोजाबाद नगर में जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार एसएसपी आशीष तिवारी ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। शिकोहाबाद नगर में एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह, एसडीएम विवेक मिश्रा, सीओ देवेंद्र सिंह ने संभाली सुरक्षा व्यवस्था। वहीं प्रति वर्ष ईद पर राजनीतिक दलों के द्वारा लगाए जाने वाले कैंप दिखाई नहीं दिए, सरकारी नगर पालिका ने कैंप लगाया। बाइट जिलाधिकारी उज्जवल कुमार, बाइट एसएसपी आशीष तिवारी। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता विजय बघेल की यह खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। फिरोजाबाद से क्या कहना चाहेंगे उसके जनपद फिरोजाबाद वासियों को? मैं ईद की सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पर मैं और कप्तान साहब राउंड पे हैं, सभी टीम हमारी हर जगह मौजूद है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, सभी जगह ईद की नमाज शांतिपूर्वक अदा की जा रही है, सभी लोग धार्मिक उल्लास के साथ ईद का त्यौहार मना रहे हैं और यहाँ पर साफ सफाई से लेकर जो भी उचित इंतजाम है शासन के निर्देश के क्रम में वो सभी चीज़ें मौजूद हैं, सब लोग ईद का त्यौहार अच्छे से मना रहे हैं। देखिए, शासन के क्रम के निर्देश में जो पीस कमेटी थी, जो धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग थी, सोशल मीडिया पे जो मैसेज थे, वो सभी की वजह से यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से पूरे जनपद में नमाज अदा की जा रही है और कहीं पर भी किसी प्रकार की अपनी घटना की कोई सूचना नहीं है। मैं और डीएम साहब दोनों लोग राउंड पे भी हैं, सारे पुलिस बल और प्रशासन सभी लोग एक्टिव हैं। इसके बाद में जो कुर्बानी की प्रक्रिया है उस पर भी हम लोग लगातार पेट्रोलिंग करेंगे और किसी प्रकार की पहले भी कोई अपनी घटना नहीं हुई है और इस बार भी हम लोग लगातार पेट्रोलिंग वगैरह से और अपने अलर्टनेस से इंश्योर करेंगे कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अपनी घटना ना हो और सभी शांतिपूर्वक त्यौहार है और अच्छी तरह चल रहा है।